नज़ारे नज़ारे बड़े ही प्यारे, ये देखो गाइस, ओ भाई साहब, इससे प्यारा क्या हो सकता है यार। बट थैंक गॉड कि हमें बारह लाचला पे इतना ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग नहीं मिला, थैंक गॉड। आई एम सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड दैट आई मेड इट टू दिस पॉइंट, इतनी सारी सरकमस्टांसेस को झेलने के बाद। अभी जो आप नज़ारे देख रहे हो भाई साहब, ये देखो पूरी नदी आधी फ्रोजन आधी नॉर्मल। यार क्या क्या देख लिया इस बार, सब कुछ ही देख लिया इस बार तो भाई, इस ट्रिप पर सब कुछ देख लिया। ये देखो, आई डोंट नो विच रिवर इज दिस, अंग्रेजी मुझे नहीं पता कौन सी नदी है ये, बट करिश्मा का करिश्मा है यहाँ पे। और अब हम नीचे जा रहे हैं, अब आएगा पहले किलोंग, फिर जिस्पा, देन मनाली। और अभी टाइम हो रहे हैं 11:07। बस बस, ओ भाई साहब बस, ओ थोड़ी सी मस्ती थोड़े से मज़े के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं जिंग जिंग बार के लिए। और यहाँ पे तो यार काम चालू है। सो भाई लोग, अब थोड़ा डिफिकल्ट रोड आ गया है, बस गिरूँ ना मैं। जूता अगर नीचे रखा तो भाई, ओ दिस वॉज इजी मैन, सो वी मेड इट। अब शायद ये हो रोहतांग से पहले पहले, रोहतांग में शायद जाम मिलेगी तगड़ी वाली। 12 बजने वाले हैं, 12 बजने में 10 मिनट है, एंड आगे का रास्ता थोड़ा अच्छा लग नज़र आ रहा है। और इतने देर में हमने दो चार दोस्त बना लिए, अभी दिखाते हैं। हिज नेम इज जिष्णु, बाय। तो यार अब आने वाला है जिंग जिंग बार। जिंग जिंग बार है करीब यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे, और मुझे नहीं पता इसे जिंग जिंग बार क्यों कहते हैं, शायद रोड बहुत ज़्यादा ही कर्वी हैं, यूं यूं यूं, इसीलिए जिंग 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 टाइप के हैं, तो इसीलिए इसको जिंग जिंग बार बार, लेकिन क्यों पता नहीं भाई मेरे। तो हम पहुँच चुके हैं लगभग जिंग जिंग बार,
लेकिन रुकने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि आज हमने मनाली तो किसी हाल में करना ही है। मनाली यहाँ से 170 किलोमीटर है, और अगर टाइम मिला तो हम मंडी चले जाएंगे, ताकि कल हमारा टाइम बचे, किलोमीटर घटे। तो होप फॉर द बेस्ट। लो भैया आ गया जिंग जिंग बार, ये देख लो नदी भी आ रही है जिंग जिंग करके, रोड्स भी जा रहे हैं जिंग जिंग करके, समझ रहे हो। तो ये है पूरा जिंग जिंग बार, और अब यहाँ से लो फ्यूल लेवल आ चुका है अपना, तो 70-80 किलोमीटर के आसपास होगा। कुछ किलोंग में मिलेगा अपने को पेट्रोल पंप। वैसे पेट्रोल पंप तो यहाँ भी है, लेकिन ख़राब है लग रहा। तो यहाँ अपने को एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग फिर से मिल गया है, उम्मीद तो नहीं की थी लेकिन फिर मिल गया है, और छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। पत्थर जो है भाई साहब मेरे, ओ कर लिया। ओहो जिंग जिंग बार के बाद एक और जिंग जिंग वाटर क्रॉसिंग। ओ ये तो जिंग जिंग बहुत छोटी है। ओहो छोटी है क्या चाचा, मेरे अंदर घुसा दिया मुझे। ओ चल जा शाबाश। तो अभी हम जिस पुल को क्रॉस कर रहे हैं उसकी नदी बहुत ही प्यारी लग रही है भाई साहब, ये देखें। ओहो हो, और जितना प्यारा नदी है उतना ही डरावना पुल होगा, देखना। ओहो हो, नदी को देखो यार, देखो। ओहो हो, ये देख रहे हो, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलो भैया। हमारी बाइक ही 12 से स्टार्ट होती है, क्या करें हम। ओहो हो, तो भाई अब जो वाटर क्रॉसिंग आ रही है वो आप पहले देखें कि कैसा है, और पहले गाड़ी को आने देते हैं। तो गहरा तो है, तो चलो भैया क्रॉस करते हैं इस वाटर क्रॉसिंग को। जय भोलेनाथ। इसमें बिना रखे काम चलवे नहीं करेगा, हो पैर तो भैया रखना पड़ेगा। और ये वाटर क्रॉसिंग बड़ा ही खतरनाक था। ओ फिर से बंद कर दिया मैंने। अब देखो पता चलेगा आपको। बहुत ही तगड़ा वाटर क्रॉसिंग। मेरे भी पैर गए। तो ये जो पूरा शहर है ये है दारचा शहर, और यहाँ से जिस्पा है 4 किलोमीटर, उसके बाद आएगा किलोंग जो कि यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर के आसपास। तो भाई लोग अब हम आ चुके हैं जिस्पा, ये है पूरा शहर जिस्पा। छोटी सी शहर है, इतना कुछ खास नहीं है, मतलब इतना कुछ खास बड़ा नहीं है। वैसे तो क्या ही कहने, इस शहर के नज़ारे देखो, जो लोग यहाँ रहते होंगे उनको तो यार, मतलब हमारा तो मन करता है कि हमारा घर ऐसा रहे, लेकिन नेटवर्क भी रहे, इधर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। बाय। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको कॉटेजेस और होम स्टे वगैरह मिल जाएंगे, अगर आप आना चाहो रहना चाहो तो यू कैन, लेकिन हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। हम जा रहे हैं मनाली, पहले पहुँचेंगे किलोंग, वहाँ डलवाएंगे पेट्रोल, एंड देन विल मूव टू मनाली। तो यार देखो सामने आपको पेट्रोल पम्प दिख रहा होगा, ये है सरचू के बाद का पेट्रोल पम्प, एंड ये है टांडी में। तो भाई साहब हमारी गाड़ी ने तो बहुत प्यारा साथ दिया हमारा, बस ये देख लेते हैं कि कार्ड पेमेंट हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पे जो रेट है वो है 70.84, तो काफ़ी सस्ता है इधर पेट्रोल। तो भाई यहाँ पे क्या सीन है कि आपको कार्ड पेमेंट नहीं चलेगा, आपको कैश चाहिए, और पेट्रोल मेरा आया है 732 रुपये का, यानी 10 लीटर जो पिछले बार भी आया था, मतलब 32 के आसपास का एवरेज आ रहा है। देखो यार एक्सपेक्टेड तो नहीं था, लेकिन ये मनाली वाले रास्ते में भी दोनों साइड बर्फ़ है, और आगे बर्फ़ हटाने का काम भी चल रहा है।
तो देखते हैं यार, ये रास्ता अबाउट टू खुलने वाला है। अभी बहुत बारिश हो रही थी तो पेट्रोल पंप से जो हमने पेट्रोल लिया था और यहाँ जो हम आ चुके हैं करीब 30-40 किलोमीटर हो चुका है और यहाँ पे काफ़ी ग्रीन है यार, काफ़ी ग्रीनरी है। अब देखो कैसे छोटे छोटे वाटरफॉल आ रहे हैं, एक उधर से एक उधर से, देखो और कितना प्यारा लग रहा है। ऑब्वियसली यहाँ के लोगों के लिए तो काफ़ी नॉर्मल सा होगा, बट हमारे लिए तो भाई ये जन्नत है। देखो कितने ग्रीन है यहाँ पे, ग्रीनरी बिना कलर करेक्शन के इतनी ग्रीन है। तो यार एक और वाटर क्रॉसिंग, ओ ओ ओ ओ, लेकिन इस बारे में पानी नहीं गया जूतों पे, थैंक गॉड। और हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे अभी हमने एंट्री करवाई थी, कोक्सर जगह का नाम है, तो हमने एंट्री करवाई। अभी नज़ारे देख रहे हो भाई साहब, क्या प्यारे प्यारे नज़ारे हैं। मतलब ये तो एक है, आगे देख लो, ओहो हो खतरनाक, कहाँ से आ रही है, मतलब ये तो बाहुबली वाली फीलिंग दे रहा है यार। और ऐसे ऐसे ही अभी बहुत सारे दिखने वाले हैं, तो जो बंदा सोच रहा ना स्किप मार देता हूँ, रुक जाओ थम जाओ। और एक बात और कह दूँ, आज 9th वीडियो है इस सीरीज़ की, पूरे लद्दाख सीरीज़ की। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, पहला दिन हमारा था दिल्ली से जम्मू, दूसरा दिन श्रीनगर, तीसरा दिन कारगिल, चौथा दिन लेह, पांचवा दिन हुंडर, छठा दिन कहाँ थे हम भाई, भाई देख लेना यार, मैंने नीचे ना दे रखा है सब कुछ। ये कोई वाटर क्रॉसिंग नहीं है, ये रोड पर पानी है। और पानी से याद आया, आगे देखिए आप क्या नज़ारे हैं भाई साहब, बर्फ़ को बाद में देखिए, यहाँ पानी देखिए। और बर्फ़ की बात करो तो आगे भी बर्फ़ ज़्यादा ही मिलेगी आई गेस। बारिश हो रही है, देखो बारिश हो रही है, आगे कुछ नहीं दिख रहा है, देखो आगे कुछ नहीं दिख रहा है। जय बजरंगबली। यार रोड की हालत ख़राब हो रही है, और मेरी भी हालत ख़राब हो रही है। आगे वाटर क्रॉसिंग देखो भाई लोग, हटी पड़ी है, पत्थर भी होते हैं। ये देखो यार कहाँ फंस गया मैं, ये देखो यार ये बहुत ही गंदा सीन था। और मुझे पता है आवाज़ कम आ रही होगी क्योंकि बारिश हो रही है, तो माइक निकाल दिया मैंने। आगे का पूरा सीन ऐसा ही है लग रहा है, ये लास्ट पास में लगता है क्लास ले ली। देख रहे हो कितनी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है यार। जहाँ तक रोड सही था ना, मैं सोच रहा था कि रोहतांग पास को नॉर्मल बना रखा है, लेकिन कुछ नॉर्मल नहीं है भाई। ये देखो कितने सारे पत्थर आए पड़े हैं बीच रास्ते में, ओहो पीछे तो नहीं हो। चलो आ जा, रुक जा रुक जा रुक जा,
आजा आजा आजा, गुड गुड। देख के बाइक मत गिरा देना मेरी। तो यार रोहतांग पास ने तो क्लास ले ली। भाई पत्थर बहुत ज्यादा। छोटी सी है आगे। हाँ आगे एक और वाटर क्रॉसिंग। निकलो 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 निकलो, निकल गए निकल गए निकल गए निकल गए निकल गए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे भी लग रहा है कहीं गलत तो रोड नहीं है। आज चढ़ने में हो रही हालत खराब। बंदे तो यार सारे बंदे गए कहाँ, वहाँ खड़े हैं आगे देखो। हाँ तो आगे देखो ना, खड़े हैं उधर भी बंदा। आज तो मनाली पहुँचना ही बहुत बड़ी बात होगी। हाँ अगर बंद है तो फिर उसने कैसे जाने दिया, तो पुलिस वाले ने। ये तगड़ा वाटर क्रॉसिंग है। वो तो कह रहा आ जाओ। तो यार आगे तो बहुत ही बेकार सीन है। ये रास्ता रोहतांग वाला ही है, ये रास्ता रोहतांग वाला ही है। आगे खुला हुआ सब कुछ, बस यही दिक्कत है। रास्ता था आप लोग इधर से आगे। हाँ रास्ता परे से था, उधर से ही था। अच्छा हम लोग गलत आ गए। गलत है, हम लोग गलत आ गए। इधर से सही है। अब रोहतांग का ही है इधर से। भैया पक्का रोहतांग का ही है ना। ऑल द बेस्ट टू माई सेल्फ। उधर ही जा रहा है, हम लोग गलत आ गए। थोड़ा हेल्प करना अगर गिरू तो। राम राम से आना यहाँ पे। आगे रास्ता सही है। ये रोहतांग पास ने सच में क्लास ले ली भाई। खारदुंगला तो नहीं चल पड़े। यार स्लश भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और पता कैमरे में आ नहीं रहा होगा इतना ज़्यादा स्लश। खारदुंगला बहुत इजी था, लेकिन रोहतांग मतलब इसके कंपैरिजन में इजी था ना, बारिश वारिश नहीं थी, कोई भी ऐसा सीन सेट नहीं होता ना। सो गाइस फाइनली वी मेड इट टू रोहतांग। रोहतांग पास, रोहतांग ला। व्यूज़ देखो यार, यहाँ पे आने पे जो फट्टी है ना बॉस, जो हमारी फट्टी है, हम बता नहीं सकते कितनी ज़्यादा फटी है। इतने गंदे रोड्स, इतना ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग, इतना ज़्यादा स्लश, मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं था यार। देखो कितनी भीड़ है भाई साहब, मतलब कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये सो फाइनली यार सारे पासेस पे तुम्हारा भाई पास हो रहा है अब तो। इस बात पे वीडियो लाइक कर देना मेरे भाई। आज से ज़्यादा एडवेंचर मैंने कभी नहीं किया था, ट्रस्ट मी कभी नहीं किया था। वेयर इज दैट बोर्ड। तो भाई यार फाइनली वी हैव मेड इट टू रोहतांग। और यार देखो कितना बर्फ है यहाँ पे, मतलब हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना ज़्यादा एडवेंचर हमें यहाँ पे मिला है।
क्या कहते हो? बहुत ज्यादा एडवेंचर मिला, बहुत ज्यादा। इतना ये मेन एडवेंचर मिला हमें बारिश की वजह से। तो अभी यहाँ पे कुछ खाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। नज़ारे देख लो यार, पूरे रोहतांग पास के। यहाँ पे मैगी मिल रही है, यहाँ से हमने मैगी खाया। और नीचे पूरी बर्फ है तो स्लिपरी है पूरा। अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं नीचे। गाइस आगे का नज़ारा देखो, अभी हम रोहतांग पास से निकल के मनाली की ओर जा रहे हैं। एंड आगे फॉग देखो कितनी ज़्यादा है। GoPro के साथ थोड़ा रिस्क हो रहा है वाटर प्रूफ के कारण, तो अभी उसको छेड़ नहीं रहा। और तुम्हारा भाई इस तरह से दिख रहा है फिलहाल, तुम्हारे भाई का भाई कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। पीछे पूरा देखो बर्फ़ के नज़ारे हैं। और भाई रोहतांग पास ने तो आज क्लास ले ली। तो अभी फ़िलहाल मैं यार रूम पहुँचता हूँ और फिर रूम पर मिलता हूँ। तो गाइज हम पहुँच गए अपने होटल। हमने ओयो से होटल बुक किया था और यहाँ पर पूरा सामान बिखरा पड़ा है, चार्जिंग वगैरह हो रही है। ब्रेकफास्ट? हाँ जी सर। और भैया ब्रेकफास्ट के लिए पूछने आए हैं। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि अभी फ़िलहाल आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। भैया गाना भी गा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। कुछ पूछना है तो कमेंट कर दो। मिलते गए इस नए वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करके जाना, घंटी दबा के जाना। बाय। भैया बाय बोल दो। बाय।